गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में आज हम लोग अपने साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज फाइबर टू फैब्रिक। अब फाइबर और फैब्रिक दोनों होता क्या है? फाइबर मतलब होता है धागे, थ्रेड्स, एंड फैब्रिक मतलब होता है कपड़ा। अलग अलग वैरायटी के हम लोग कपड़े देखते हैं मार्केट में, तो वो जो कपड़े होते हैं वो सारे मतलब फैब्रिक्स में आते हैं, कि अलग अलग टाइप के मार्केट में कपड़े अवेलेबल होते हैं। अब ये कपड़े बनते कैसे हैं वो सब हम चीज़ें जो हैं इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, कि फाइबर्स, यार्न और किस किस मेथड से फैब्रिक्स बनते हैं, कौन कौन से फैब्रिक बनते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर। पहेली एंड भूजो वॉन दी फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट द स्कूल। जो पहेली एंड भूजो है उन्होंने उनके स्कूल में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, साइंस क्विज कॉम्पिटिशन, और उस कॉम्पिटिशन को वो जीत जाते हैं। तो जो उन जीतने के बाद उनको फर्स्ट प्राइज जो मिलता है उसमें उनको कुछ मनी मिलती है, प्राइज मनी मिलती है। तो वो लोग क्या डिसाइड करते हैं कि वो उस मनी से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीदेंगे। तो वो क्या करते हैं, कपड़े खरीदने के लिए जब मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में उन्हें बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं कपड़ों की, अलग अलग वैरायटी के उन्हें कपड़े देखने के मिलते हैं। कोई कॉटन का होता है, कोई सिल्क का होता है। तो वो इतनी सारी वैरायटीज़ देख के एकदम से मतलब उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये अलग अलग वैरायटी के कपड़े आते कहाँ से हैं और किस तरह ये कपड़े बनते हैं। तो जब उन्होंने कपड़े की शॉप पे विज़िट किया तो वहाँ पे उन्होंने बहुत कुछ देखा। सॉरी, वहाँ पे उन्होंने बेडशीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स, टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स, डस्टर्स, बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक्स के वैरायटीज़ देखी। वहाँ पे उन्होंने अपने स्कूल बैग्स, गनी बैग्स, ये सब कुछ भी देखा, और हर एक वैरायटी में वो अवेलेबल थे वहाँ पे। तो इस तरह उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज़ के कपड़ों के बारे में पता चला। नेक्स्ट, हमें जो एक्टिविटी दे रखी है उस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, वैरायटी एक्टिविटी में क्या है, आपको वैरायटी इन फैब्रिक्स के बारे में, उनसे रिलेटेड मतलब एक्टिविटी है आपकी, कि फैब्रिक्स की कौन कौन सी वैरायटी अवेलेबल होती है। विजिट अ नियर बाई टेलरिंग शॉप, कलेक्ट कटिंग्स ऑफ द फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, फील एंड टच ईच पीस ऑफ द फैब्रिक। एक्टिविटी में आपको क्या करना है, जब आप अपने टेलर के पास जाओगे, दर्जी के पास जाओगे, तो आपको क्या करना है वहाँ जाके, जो उन्होंने सूट्स वगैरह स्टिच किए होते हैं तो उसके जो एक्स्ट्रा क्लोथ्स बच जाते हैं उनके पास, कटिंग्स, उनकी कुछ कटिंग्स लेके आनी है। ट्राई करना है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट फैब्रिक के कटिंग्स मिले, कॉटन की हो गया, सिल्क का हो गया, और वैराइटीज़ आती हैं, उन सभी का आपको कटिंग्स जो है वो कलेक्ट करना है, और उनको फील करना, टच करके फील करना है, ऑब्जर्व करना है कि ये फैब्रिक कौन सा हो सकता है। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज द कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग फॉर द हेल्प फ्रॉम द टेलर। इसके बारे में कपड़े को पहचानने में आप टेलर की हेल्प भी ले सकते हो। डू यू वॉन्डर वट दीज different fabrics are made of, and when you look at any fabric it seems a continuous piece, now look at closely what do you notice। कि अब तो आप मतलब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चनिंग आती है, क्वेश्चन आते हैं कि ये फैब्रिक्स बनते कैसे हैं, ये आते हैं कहाँ से हैं। और अगर हम लोग नॉर्मली कपड़े को देखें तो जब हम कपड़े को देखते हैं तो वो हमें कॉन्टिन्यूस एक प्लेन स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जबकि वो ऐसा नहीं होता है। वो बहुत ही थिन थ्रेड्स को कंबाइन करके अलग अलग मेथड से उन्होंने क्लॉथ बनाया होता है। जैसे अगर हम नॉर्मली कपड़े को अगर ऑब्जर्व करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास कपड़ा है, तो अगर मैं इस कपड़े को देखूँ तो मेरे को ये बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, इसमें कुछ है नहीं, मतलब मेरे को ऐसे चेक बॉक्स वगैरह दिखाई नहीं दे रहे हैं, मेरे को कॉन्टिन्यूस कपड़ा दिखाई दे रहा है। बट ऐसा नहीं होता है, कॉन्टिन्यूस कपड़ा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिखाया गया, इसे चेक बॉक्स बने होते हैं छोटे छोटे। तो ये क्या करते हैं कि पतले पतले जो थ्रेड्स होते हैं उनको अलग अलग मेथड से
उनसे कपड़ा बनाते हैं जो कि हमें कॉन्टिन्यूस दिखाई देता है, बट वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। नेक्स्ट हमें सेकेंड एक्टिविटी गिवन है, सेकेंड एक्टिविटी में क्या करना है आपको, सिलेक्ट अ पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी वन। जो आप एक्टिविटी वन जब आप ट्राई करोगे तो उस पर आपको जो कॉटन फैब्रिक मिलेगा, तो वो क्या करना है आपको, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एज एंड पुल इट आउट। आपको क्या करना है, जब आप कटिंग लोगे ना कॉटन वाली, तो जब कटिंग कटिंग के ना एंड पे ऐसे धागे से थोड़े बाहर बाहर होते हैं, तो आप क्या ट्राई करोगे कि उसमें से कोई धागा खींच के बाहर निकालने की ट्राई करनी है। अगर कोई लूज थ्रेड नहीं है वहाँ पे, जैसे आपको फिगर में दिखाया हुआ है, ऐसे आप एक थ्रेड को खींच सकते हैं बाहर। अगर कोई आपको लूज थ्रेड या यॉन नहीं मिल रहा है, विजिबल नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और निडल। आप क्या कर सकते हो, पिन और निडल की हेल्प से जेंटली एक स्मूथली वे से आप कपड़े में से थ्रेड को बाहर निकाल सकते हो। तो इससे हम क्या देखते हैं कि इसी तरह से हम अ नंबर ऑफ यॉन्स, अ नंबर ऑफ थिन थ्रेड्स को हम लोग निकाल सकते हैं कपड़े में से। तो इसका क्या मतलब है कि जो कपड़ा है वो एक लार्ज क्वांटिटी में थिन थ्रेड्स को, यार्न्स को कंबाइन करके ही बना होता है, जिसकी वजह से हमें वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिखाई पड़ता है, बट वो होता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, दैट इज़ अ फाइबर। फाइबर क्या होता है, इसको भी हम लोग एक्टिविटी की हेल्प से समझने की ट्राई करेंगे। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ द कॉटन फैब्रिक, प्लेस द पीस ऑफ द यार्न ऑन द टेबल, नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन द फिगर। आप क्या करोगे, जब अपने कॉटन फैब्रिक जो आपने एक्टिविटी वन में लिया था सॉरी, और उसमें से आपने जो यार्न निकाला था, जैसे कि आपको एक्टिविटी टू में बताया गया है, तब क्या करोगे, जो आपने धागा निकाला है ना, उस धागे को क्या करोगे, आप एक नेल से, आप क्या करोगे, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है, आप इसको इस तरह से पकड़ेंगे, एक हाथ से धागे को एक साइड से पकड़ लिया, और जो दूसरा एंड है ना उसको नेल से ऐसे ऐसे करके खींचना है, जैसे कोई धागा लेके उसको खींचने का ट्राई करना है एक एंड से। जब आप उसको ऐसे, जैसे ऐसे आपको, आप उसको ऐसे खींचोगे ना जब, तो आप क्या देखोगे कि उसमें एक पतले पतले और थिनी थ्रेड्स बाहर आ रहे हैं, लाइक दिस वे। जब आप ट्राई करते हो निडल में, निडल में आप जब धागा डालने की कोशिश करते हो सुई में, तो आप क्या देखते हो, जब आप उसकी पोर में डालते हो, धागा डालते हो, तो वो धागा जो है कई बार स्टार्ट एंड मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसका, उसके आगे मतलब दो और तीन स्प्लिट एंड्स बन जाते हैं, तो आपको वो डिफ़िकल्टी होती है धागा डालने में, धागा डालने सुई के अंदर डालने में। तो आप क्या करते हो कि उस एंड को वो कट कर देते हो, फिर आप ट्राई करते हो ताकि इजिली आपका धागा जो है वो सुई में चला जाए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हम धागे को नेल से ऐसे स्ट्रेच करते हैं ना, तो जो धागा है, जो यॉर्न है, वो फर्दर टाइनी थ्रेड्स जो होती हैं उनको कंबाइन करके, थिनी थ्रेड्स जो होती हैं उनको कंबाइन करके फिर वो यॉर्न बनता है। दैट मीन्स यार्न भी आगे थिनी थिनी थ्रेड्स को कंबाइन करके बनता है, और जो थिनी थ्रेड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स बोलते हैं। स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द यार्न अलॉन्ग इट्स लेंथ विद योर नेल एज शोन इन द फिगर लाइक दिस, डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड, जिस एंड पे आप स्ट्रेच कर रहे हो, स्क्रैच कर रहे हो सॉरी, तो जो वो यार्न था वो स्प्लिट अप हो जाएगा इंटू थिन स्ट्रैंड्स। इस तरह से ये जो है वो क्या है, स्ट्रैंड्स है, यार्न स्प्लिट अप इंटू थिन स्ट्रैंड्स, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैंड्स बोलते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर वेन यू ट्राई टू थ्रेड निडल। हाँ, सेम जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप निडल में थ्रेड डालते हो तो कैसे आपका जो स्टार्टिंग वाला थ्रेड होता है वो कैसे स्प्लिट हो जाता है टू और थ्री स्ट्रैंड्स में। तो मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इंटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स, दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। तो जो रिडल की आई होती है, जो उसमें पोर होता है, उसमें से मतलब निकालने में बहुत डिफिकल्टी होती है। दी थिन स्ट्रैंड्स ऑफ दी थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ दी स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। जो ये स्ट्रैंड्स होती हैं, थिनर स्ट्रैंड्स होती हैं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं।
फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ द यार्न्स एंड द यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ द फाइबर्स। ये जो फैब्रिक्स होते हैं ये इन्हीं यार्न से बनते हैं, और ये जो यार्न्स होते हैं ये कहाँ से बनते हैं, फाइबर से बनते हैं। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ। जो यार्न्स होते हैं, जो हमारा मतलब हम जो फैब्रिक्स देखते हैं नॉर्मली अपने डेली रूटीन में, वो फैब्रिक्स जो हैं वो यार्न को कंबाइन करके बनते हैं, और जो यार्न्स हैं वो कैसे बनते हैं, फाइबर्स को कंबाइन करके बनते हैं। फाइबर्स क्या होती हैं, थिनर स्ट्रैंड्स होती हैं थ्रेड की, जिनको कंबाइन करके यार्न बनता है। द फाइबर्स ऑफ दिस सम फैब्रिक्स सॉरी फाइबर्स आर मेड अप ऑफ फाइबर्स आर मेड अप ऑफ द यार्न्स एंड द यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ द फाइबर्स। क्लियर है? अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द फाइबर्स ऑफ दिस सम फैब्रिक्स सच एज द कॉटन जूट सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फाइबर्स होते हैं फैब्रिक्स के वो कहाँ से आते हैं, लाइक मतलब कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क वूल, ये सब आते कहाँ से हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से आते हैं। जो फाइबर्स हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल फाइबर। जो हमें नेचर से मिलते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स। कॉटन एंड जूट जो हैं ये एग्जाम्पल हैं प्लांट की, और जो वूल और सिल्क फाइबर होते हैं ये हैं एनिमल फाइबर्स की, क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलती है। जो वूल है हमें वो फ्लीस जो होते हैं शीप के, जो जो भेड़ के बाल होते हैं उनको उनसे मिलती है हमें। इसके अलावा हमें गोट या ऊंट के बाल भी हम लोग यूज़ करते हैं वूल्स बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ द रैबिट्स यॉर्क कैमल्स। सिल्क फाइबर जो है वो कुकून ऑफ द सिल्क वर्म से मिलते हैं हमें। फॉर थाउजेंड्स ऑफ द ईयर नेचुरल फाइबर्स वर ओनली वन अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। इन द लास्ट 100 ईयर्स और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द केमिकल केमिकल मैथड्स। मतलब ये कि पहले पहले स्टार्टिंग में सिर्फ नेचुरल फाइबर्स ही अवेलेबल होते थे। अब से 100 साल पहले क्या हो गया कि केमिकल मेथड्स को यूज़ करके भी हम लोग फाइबर जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, और इन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जो केमिकल सब्सटेंसेस से फाइबर प्रिपेयर होते हैं उन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। और उनके एग्जांपल्स क्या है सिंथेटिक फाइबर्स की, दैट आर पोलिस्टर नायलॉन एंड एक्रेलिक। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स की जो हम केमिकल मेथड से प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में, कि प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर्स मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि प्लांट से हमें कॉटन हो गया, जूट हो गया, ये सब हमें प्लांट से मिलता है। तो पहले हम कॉटन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि ये जो कॉटन फाइबर्स होते हैं ये बनती कैसे हैं। कॉटन प्लांट्स होते हैं ये, इस तरह के आपको फिगर में दिखाया गया है। कॉटन प्लांट्स ये इस तरह के होते हैं, उनके ऊपर कॉटन रोल्स लगे होते हैं, बॉल्स बोलते हैं इनको हम लोग। डिस्कस करते हैं अभी। जो कॉटन प्लांट्स होते हैं दे आर यूजली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग दे आर यूजली ग्रोन अप इन द प्लेसेस हैविंग द ब्लैक सॉयल एंड द वार्म क्लाइमेट। जो ये जो कॉटन प्लांट्स होते हैं ये यूजली जहाँ उन प्लेसेस पे अवेलेबल होते हैं जहाँ पे ब्लैक सॉयल प्रेजेंट होती है और वार्म क्लाइमेट होता है। तो ये मोस्टली उन प्लेसेस पे अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हमें ब्लैक सॉयल मिलती है और वहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ही गर्म होना चाहिए। जो फ्रूट्स होते हैं कॉटन प्लांट्स के इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। जो ऊपर जो वाइट वाइट कलर के लगे होते हैं उनको हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं। दे आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन, जितना साइज लेमन का होता है उतना ही साइज कॉटन बॉल्स का होता है। आफ्टर मैच्योरिंग सॉरी द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद द कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब हम ये बॉल्स जो हैं जब ये बर्स्ट ओपन होती हैं, जब ये खुलना स्टार्ट करती हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो उसमें सीड्स होते हैं वो कवर हो रखे होते हैं विद द कॉटन फाइबर्स। बॉल्स के अंदर जो सीड्स होते हैं वो कॉटन फाइबर्स से कवर हो रखे होते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है कि जो फाइबर्स होती हैं सीड्स मतलब जो सीड्स के साथ फाइबर्स होती हैं उन फाइबर्स को हम सेपरेट करते हैं सीड्स से बाय दी
बाय कॉम्बिंग दी, सॉरी, ये जो फाइबर्स होती हैं इनको हम लोग सीड से सेपरेट करते हैं बाय कॉम्बिंग, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। आपको ये प्रोसेस भी दिखा रखा है, इसको ये कॉम्बिंग कर रहे हैं। कॉम्बिंग किसकी कर रहे हैं, कॉटन बॉल्स की। उससे क्या होगा कि ये जो कॉटन फाइबर्स हैं जो सीड्स के साथ मिली होती हैं, कवर अप होती हैं, तो सीड्स और कॉटन फाइबर्स को सेपरेट करते हैं बाय ए प्रोसेस, बाय ए कॉम्बिंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस कैसे आप कॉटन फाइबर्स प्रिपेयर करते हैं कॉटन प्लांट से। जो कॉटन प्लांट्स होते हैं उनके फ्रूट को हम लोग कॉटन बॉल्स बोलते हैं। कॉटन बॉल्स जब बर्स्ट आउट होती हैं तो उसमें क्या होता है, कॉटन फाइबर्स और सीड्स जो हैं वो सराउंडेड होते हैं, और कॉम्बिंग की हेल्प से क्या करते हैं कि कॉटन फाइबर्स को और सीड्स को सेपरेट करके कॉटन फाइबर्स को अलग कर लिया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ अ जूट। जूट कैसे बनता है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम दी स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये जूट प्लांट है, इसकी स्टेम से हमें जूट मिलता है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो कॉटन था वो क्लाइमेट जो उसका था वो वार्म था, बट जो जूट है इसी हमें रेनी सीजन में मिलता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में, इंडिया में वेस्ट बंगाल में मेनली जूट मिलता है हमें, बिहार में मिलता है, आसाम में मिलता है। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड वन इट इज़ एट द फ्लावरिंग स्टेज। जो ये जूट प्लांट है उसको हार्वेस्ट कब किया जाता है, जब वो उसकी फ्लावरिंग स्टेज होती है, जब फ्लावर्स आने स्टार्ट होते हैं। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स इन अ वाटर फॉर अ व्यू डेज। जो स्टेम्स होती हैं प्लांट्स की, तो क्या करते हैं उसको वाटर में इमर्स करके रखते हैं कुछ दिनों के लिए। द स्टेम्स रोट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय द हैंड। तो ये जो स्टेम होती है ये रोट होना स्टार्ट होती है, स्प्लिट होना स्टार्ट होती है, तो उससे हम क्या करते हैं, बाई हैंड से ही हम उसको जूट को सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम दी स्टेम। तो इसी तरह हमें स्टेम से जो है वो जूट मिल जाता है बाय हैंड। तो ये प्रोसेस था जूट बनाने का। तो अब क्या करते हैं, जो फैब्रिक्स हमें मिलते हैं, जो कॉटन फाइबर्स मिला है, जो जूट का फाइबर मिला है, अभी क्या करते हैं कि फैब्रिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इन फाइबर्स को पहले क्या करते हैं, यार्न में कन्वर्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हम उसमें क्या पढ़ेंगे कि स्पिन मतलब किस मेथड से फैब्रिक जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम दी फाइबर्स। तो आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट मेथड्स हैं हमारे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू क्लास।